हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत डिफरेंट टाइप की डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। ये 2 पाउंड का केक था और वनीला फ्लेवर का था, तो अच्छे से वनीला एसेंस वगैरह मिला के बैटर बना के मैंने ओवन में डाल दिया है 10 इंच वाले टिन में बेक होने के लिए। और जब तक वो बेक हो रहा है तो कुछ फोंडेंट का काम कर ले रही हूँ मैं। तो ये फ्लावर प्लंजर कटर है मेरे पास, उससे कुछ फ्लावर कट करना था तो कुछ फ्लावर कट करके रख लिया है मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी। और उसको इस तरह से ये वाले मोल्ड में रखा है ताकि फ्लावर जो है अपने थोड़ा सा शेप में रहे, बिल्कुल फ्लैट ना रहे। तो हल्का सा ये फॉन्डेंट वाले टूल से इस तरह से इसमें मार्क लगा के और फिर इस चॉकलेट वाले मोल्ड में डाल दिया था ताकि ये अपने शेप में रहे। तो सारे को इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरह का फ्लावर बनाना था तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से स्क्वायर जो है मैंने फोंडेंट ले लिया, यही रेड कलर का, और सबके सारे जो फोंडेंट है उसके कॉर्नर को कट कर दिया है। उसके बाद ये कई एक साथ मैंने कर लिया था। तो अब इसको क्या करना है, बस इस तरह से उंगली के बीच में रख करके इसको चारों कोने से ऐसे मोड़ देना और नीचे से प्रेस कर देना है तो ये फ्लावर का शेप ले लेता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने 4 बना लिया बड़ा और कुछ छोटा बना लिया है और 3-4 मैंने छोटा भी बना लिया था। और सारे के कॉर्नर को छोटे वाले के भी कट कर लिया और सेम उसी प्रोसेस से मैंने बना लिया। तो बहुत ही अच्छी और प्यारी सी डेकोरेशन है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और बस चुटकी से इस तरह से दोनों साइड से दबाइएगा, फ्लावर रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया है। अब ब्लैक कलर के फोंडेंट से कुछ काम था तो मैंने पहले फोंडेंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद उसको लंबाई में इस तरह से रोल किया है। और इस तरीके से मैंने काट के पतली पतली स्ट्रिप निकाल ली है, जितनी मुझे ज़रूरत थी 5 या 6 ऐसे ही बनाया था मैंने। और बहुत पतली पतली स्ट्रिप नहीं काटनी थी, मतलब ठीक ठाक चौड़ाई से काटनी थी। मैंने लंबा लंबा ही कट करके निकाल लिया एक बार, जब जहाँ पर जितने लंबाई की ज़रूरत होगी उतना मैं लगाऊंगी, बाकी को हटा दूंगी। तो ये हो गया है मेरा। अब मुझे बनाना है आई लैशेज, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक फोंडेंट लिया है और उसमें थाइलस पाउडर मिलाया है 1 चुटकी और उसको अच्छे से ये कर मिक्स करके उसके बाद मैंने फोंडेंट को रोल कर लिया है। उसके बाद उसको आई लैशेज का शेप दिया है, कट किया है, लेकिन यहाँ पर मेरा कैमरे का फोकस जो ख़राब हो गया और मैं सही से आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो नेक्स्ट बार कभी भी बनाऊँगी तो ध्यान दूँगी इस चीज़ का। तो थाइलस पाउडर मिलाने से क्या होगा कि वो अपने शेप में रहेगा, जो देखिए अपने शेप में है अपनी जगह पर। अब मैं बना रही हूँ लिप्स। रेड कलर के फोंडेंट से ही लिप्स बनाना था तो बस उसी फोंडेंट को यूज़ करते हुए मैं लिप्स का मार्क लगा रही हूँ नाइफ से, फोंडेंट नाइफ से। और वैसे ही बनाना है, अगर केक आपका छोटा है तो छोटा लिप्स बनाइए, बड़ा है तो बड़ा बनाइए, केक के अकॉर्डिंग ही बनाइए। बहुत बड़ा मत बनाइएगा, बहुत छोटे केक के लिए फिर अच्छा नहीं लगता है। और बहुत छोटा नहीं बनाइएगा बड़े केक के लिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसी रेड फोंडेंट को मैंने और रोल किया और 2 ऐसे सर्कल कट करके निकाला है नोज़ल की हेल्प से, बड़े वाले नोज़ल की हेल्प से। अब नोस्ट्रिल्स बनाना था मुझे तो फिर एक ब्लैक फोंडेंट से मैंने नोस्ट्रिल बना के रख लिया है। तो जैसे ऐसा बना हुआ था उस पिक्चर में जो मेरे पास आई थी, वैसे ही मैंने सेम कोशिश की है बनाने की। फोंडेंट वर्क कंप्लीट हो गया। अब केक की तरफ चलते हैं तो देखिए केक भी मेरा बहुत अच्छा बेक हो गया है। तो अब इसको कट कर लेना है, 3 लेयर में मैं काटने वाली हूँ इसको। तो पहले ऊपर वाली लेयर को मैंने हटा दिया है, उसके बाद इसकी 3 लेयर कट कर ली है। तो ये काम भी हो गया है कंप्लीट। अब इसको एक साइड में रख लेंगे। अब मैंने एक बोल में अलग कर लिया थोड़ा सा क्रीम और उसमें 8-10 बूंद वनीला एसेंस मिला दिया है ताकि मेरे केक में अच्छे से वनीला का फ्लेवर रहे। उसके बाद मैंने लिया चीनी पानी का मिक्सचर यानी कि शुगर सिरप और इससे केक को मॉइस्ट किया है। और उसके बाद इस पर मैंने लगाया क्रीम। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो कुछ लोग यहाँ पर चेरी का क्रश डालते हैं वनीला केक में, या फिर वाइट चॉकलेट चिप डालते हैं, या फिर ऐसे ही प्लेन भी छोड़ देते हैं। मैं वाइट चॉकलेट का गनाश डालती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है, जिनको मैं देती हूँ उनको बहुत पसंद आता है, तो मैं हमेशा यही डालती हूँ। फिर दूसरी लेयर रखा है
और इसी तरह से मैंने अपने सारी लेयर्स को सेट कर लिया है और लास्ट में जितना गनाज बचा था वो ऊपर वाले सरफेस पर डाल दिया कि बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम गजब का टेस्ट है केक में। तो नीचे से तो मैंने क्रम कोटिंग कर ही लिया है केक में, अब थोड़ी सी जो क्रीम बची है उसे ऊपर की तरफ से हम उसकी कोटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा क्रीम जो साइड से आती जाएगी उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे और पूरे केक को कवर कर लेंगे। तो देखिए मेरा केक पूरा कवर हो गया है और एक बार लास्ट में हम स्क्रेपर से इसको सेट कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इधर उधर जो भी क्रम है ना वो अच्छे से केक के अंदर ही सेट हो जाए। तो अब हमें इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने लिया है वाइट क्रीम क्योंकि वाइट ही है मेरा केक, और उसमें दो चार बूंद मिला दिया वनीला एसेंस ताकि अच्छा सा टेस्ट आए केक में। और थोड़ी सी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लिया है छोटा सा कट लगा करके, और जो बचा हुआ क्रीम था वो मैंने ऊपर वाले सरफेस पर डाल दिया है। अब पाइपिंग बैग से हम साइड से पहले क्रीम लगाना शुरू करेंगे और पूरे केक पर नीचे से ऊपर तक हम लगा देंगे क्रीम को इसी तरह। और अब ऊपर वाली क्रीम को हम पहले पैलेट नाइफ से बराबर करेंगे, ऊपर के सरफेस को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम साइड की क्रीम को पैलेट नाइफ से स्मज करेंगे, उसके बाद स्क्रेपर से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो यही प्रोसेस है, तो पहले मैंने हार्ड स्क्रेपर से किया है और फिर अब ऊपर जितनी एक्स्ट्रा क्रीम उसको मैं निकाल रही हूँ। तो निकालने का एक ही तरीका है, बाहर से अंदर की तरफ पैलेट नाइफ को लाना है और वेट टॉवल या टिश्यू रखना है साइड में। उसके बाद भी मुझे साइड का सरफेस थोड़ा सा लगा कि अनइवन है तो मैंने सॉफ्ट वाला स्क्रेपर घुमा दिया, तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मेरा केक रेडी हो गया। अब बोर्ड को क्लीन करके रख लिया, अब बारी आती है सारे टॉपर्स को सेट करने की। तो सबसे पहले मैंने आई लैशेस को सेट किया है। तो देखिए थाइलॉस पाउडर मिलाने से यही होता है कि फॉन्डेंट अपने जगह पर अच्छे से सेट रहता है, हार्ड हो जाता है। तो आई लैशेस देखिए उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा तो वो ऊपर ही की तरफ है। तो धीरे धीरे करके हमने जो जो चीज़ बनाई है वो सबको अपनी अपनी जगह पर सेट कर देंगे, तभी केक अच्छा लगेगा जब सब चीज़ अपनी जगह पर सेट होगी। तो मैं साइड में मोबाइल में देखती जा रही थी और जगह पर सेट करती जा रही थी, जो भी जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ मैं लगा रही हूँ। ये बाल है तो बाल जहाँ पर है वहीं लगा रही हूँ, और जहाँ पर छोटा है वहाँ पर छोटा लगाया, जहाँ बड़ा बाल है वहाँ पर बड़ा लगाया है। तो बस ऐसे ही करना होता है, अगर फोटो भेज दी जाती है हम लोगों को तो बस उसके हिसाब से ही काम करना होता है। अब ये जो फ्लावर सब बनाया था उसको अपनी जगह पर सेट कर रही हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत प्यारी सी थी। मुझे पहले लग रहा था कि कोई ख़ास अच्छा नहीं है, मगर बनने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और जिनके लिए बनाया उनको तो अच्छा लगा ही, हमेशा ही लगता है उनको मेरा बनाया हुआ सारा केक ही अच्छा लगता है, टेस्ट में भी और देखने में भी उनको दोनों ही तरह से अच्छा लगता है। तो बार बार वो मेरे से ही बनवाती हैं। तो ऐसे फ्लावर लगा हुआ था पिक्चर में, तो सारा जैसे पिक्चर में था एग्जैक्ट मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है, कुछ भी इधर उधर नहीं किया है। यहाँ पर पर्ल वाले जो एडिबल पर्ल होता है ना उससे इयररिंग बनी हुई थी, छोटा पर्ल बड़ा पर्ल ऐसे करके ऊपर नीचे करके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इयररिंग बना दी है, आईब्रोज भी बना दिया है। एक यहाँ पर बड़ा पर्ल था लगा हुआ तो मैंने वैसे ही लगा दिया है, सारे फ्लावर के सेंटर में भी पर्ल लगा दिया है। तो इसको तो मैंने अभी ऐसे रख दिया था, लेकिन बाद में मैंने हल्का हल्का पानी लगा के इसको सेट किया था अच्छे से। तो यहाँ पर आप फॉन्डेंट का ग्लू भी लगा सकते हैं, एडिबल ग्लू आता है, मगर ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटा छोटा काम पानी से ही हो जाता है। हाँ कहीं पर ऐसा है बड़ा काम है तो आपको ग्लू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे अच्छी तरह से स्टिक होता है, स्टेबल रहता है। पानी से है कि कभी कभी मेल्ट होकर चीज़ गिरने लग जाती है, लेकिन ग्लू से नहीं गिरती है। इसके बाद नीचे मैंने पर्ल वाला बॉर्डर भी बना दिया था बिल्कुल छोटा छोटा, मुझे मतलब जो पिक्चर थी आई थी मेरे पास उसमें भी बना हुआ था तो मैंने बना दिया। तो सेम वही क्रीम से बनाया है, बिल्कुल छोटा छोटा पर्ल बनाया था, बहुत प्यारा लगता है छोटा वाला पर्ल आप बनाइए तो केक का लुक ही बदल जाता है, अच्छा लगने लगता है। मुझे और किसी भी बॉर्डर से ज़्यादा पसंद है ये पर्ल वाला बॉर्डर बनाना, जैसा केक है उस साइज़ का बॉर्डर बना लीजिए तो बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद
तो इस केक पर तो मैंने सिल्वर लस्टर डस्ट स्प्रे नहीं किया क्योंकि इसमें और भी कलर के फॉन्डेंट का बहुत ज़्यादा काम था। पर्ल बनाने के बाद अगर आप लस्टर डस्ट स्प्रे कर दीजिए तो बिल्कुल एकदम असली वाला पर्ल लगने लगता है। इस पर मुझे लगाना था बर्थडे का एक टैग, तो मैं केक के ऊपर नहीं लगाना चाह रही थी, तो मैंने साइड में मोदक वाला जो ये आता है ना, मोल्ड आता है, उसमें ब्लैक कलर के फॉन्डेंट को डाल करके इस तरह से मोदक बना लिया छोटा सा और उसके अंदर लगाया ये केक टॉपर हैप्पी बर्थडे वाला और साइड में नाम लिख दिया। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। ये वाली डेकोरेशन मेरी कंप्लीट हो गई है और ये आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।